रमज़ान आ चुका है एंड आई एम श्योर कि सब जो है वो बहुत सुकून से अपना रमज़ान गुजार रहे होंगे. सुकून मतलब सुस्त रमज़ान गुजार रहे होंगे, बिकॉज शुरू शुरू का हफ्ता तो थोड़ा सा ऐसा होता है. लेकिन रमज़ान हो या ना रमज़ान हो, मैं जब भी कोई भी तस्वीर पोस्ट करती हूँ या कोई भी वीडियो पर कोई भी वर्क रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करती हूँ, तो एक सवाल ज़रूर आता है, आपका डाइट प्लान क्या है? सो वॉट इज़ माई डाइट प्लान? आई हैव टोल्ड दिस सो मैनी टाइम्स, कितनी सारी वीडियोज़ में, कि आई ईट एवरीथिंग. लेकिन पर इस साल रमज़ान में मेरा डाइट प्लान है, क्योंकि रमज़ान में आपके डाइट का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, रिजल्टिंग इट टू मैक्सिमम फैट लॉस. और आई हैव अ सीक्रेट फॉर्मूला जिसको मैं हर बार फॉलो करती हूँ, और वो है नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, नंबर 3 गुड फैट्स, एंड नंबर 4 लेस शुगर. प्रोटीन्स एज वी ऑल नो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन वाइट मीट ज़्यादा कंज्यूम करें अगर आप अपनी एक वेट लॉस जर्नी की तरफ जा रहे हैं. रेड मीट आप लेंगे लेकिन वो कम कोशिश करें. और दूसरा, किसी भी चीज़ में अगर आपने ज़्यादा जो है वो अनहेल्दी फैट्स डाल दिए, अगर आपने ज़्यादा उसमें ऑयल डाल दिया, ज़्यादा उसमें आपने मक्खन डाल दिए, तो फिर तो ख़त्म हो गई बात. मतलब फिर आप चिकन कंज्यूम करें या मीट कंज्यूम करें, इट डजंट मैटर, वो आपको नुकसान देगा. एनीवेज, सो प्रोटीन्स के बाद कम्स गुड फैट्स. गुड फैट्स में आप नट्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, सो आप सीड्स यूज़ कर सकते हैं, आप ये सारे हेल्दी फैट्स जो हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, अगेन एतदाल के साथ. तीसरा इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. एक तो होते हैं सिंपल कार्ब्स जिसमें आपकी वाइट राइस आ गई, मैदा आ गया, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें आ गई. कॉम्प्लेक्स कार्ब इज़ लाल आटा. लाल आटे की रोटी कंज्यूम करें, पराठा उसी का बनाएं, पूड़ियाँ उसी की खाइए, मैदे के समोसे की जगह आटे के समोसे बनाएं. चौथा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ लेस शुगर. आई नो बिल्कुल भी ये बात तो तय है कि शुगर तो आपका कंज्यूम होता है किसी न किसी सूरत में, मतलब इवन आप जब नॉर्मल रोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर भी एक शुगर मौजूद है. लेकिन आपका जो ये जो चीनी है, सफ़ेद चीनी जो है, उसको उसकी मकदार अगर आप ज़िंदगी में कम कर सकते हैं, फेनी में चीनी की जगह अगर आप शहद ले लेते हैं, आप कोई और स्वीट ऑल्टरनेट ले लेते हैं अदर देन वाइट शुगर, दैट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ. उसके बाद फिर हम चाय भी पीते हैं. चाय में हम ज़रूर चीनी डालते हैं क्योंकि फिर हमें कमज़ोरी हो जाती है सारा दिन. सो ये करते 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 आप जो एक औरत को कहते हैं कि एक फीमेल बॉडी नीड्स अराउंड 15 to 2000 कैलोरीज और मर्द नीड्स अराउंड 25 to 3000 कैलोरीज इन अ डे, हम इतनी कैलोरीज और कई दफ़ा इससे ज़्यादा कैलोरीज हम सहरी में ही कंज्यूम कर लेते हैं. वॉट चेंजेस डिड आई डू? इंस्टेड ऑफ अ पराठा मैंने लाल आटे की रोटी कंज्यूम करना शुरू की. इंस्टेड ऑफ ऑयली सालन मैंने उसकी जगह घर में कम तेल और पानी में ज़्यादा पकी हुई सब्ज़ी के अंदर थोड़ी सी बोटी डाल दी और उस तरह मैंने कंज्यूम कर ली. शामी कबाब मैंने शालो फ्राई कर लिया, मैंने एग एंड चीज़ उसकी जगह लेना शुरू कर दिया और उससे मैंने आराम से 2 eggs एंड 2 slices ऑफ चीज़ मैंने उसमें डाल दी. होममेड पनीर मैंने कंज्यूम कर ली, दूध मैंने स्किम मिल्क यूज़ किया और उसके अंदर चीनी के नाम पे मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला, क्योंकि मैं ये वैसे आई से कच्चा दूध मैं ऐसे नहीं पीती बगैर फ्लेवर के. एंड देन मेरी चाय जो है, क्योंकि वो नॉर्मल चाय हो गई, तो उसके अंदर फिर मैंने सिर्फ अपने आप को एक शिफा भी रखने के लिए, और क्योंकि मेरे अंदर वो एक चाय के साथ एक थोड़े से क्रेविंग होती है कि मैं कुछ मीठा लूँ, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा हनी या थोड़ा सा गुड़ डाल दिया. नाउ वी कम टू अफ्तार. मतलब आई वुड ईट एवरीथिंग, मतलब जितनी अनहेल्दी तरीन अफ्तारी आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो होती थी हमारी. और वो मेरे ख्याल से बचपन से ही शुरू हुआ है कि वो उसमें, और उसमें अगर हमारे हिस्से भी बने हुए हैं तो हमने एंड में कहीं ना कहीं से जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम करके थोड़ा सा चाट और ले लिया, थोड़ा सा फलना चीज़ और ले ली, करते करते हमने उसको ओवर ईटिंग में कंज्यूम किया और उसके बाद हमने डिनर किया. आपके पास अगर पूरे अफ्तारी में अगर समोसे, तो आप समोसा बिल्कुल खाएंगे. अगर एक आलू का और एक कीमे का, तो आप कम से कम एक आलू और एक कीमे का समोसा लेंगे. आप पकोड़ा अगर है, तो वो एक पकोड़ा इज़ जस्ट अ जोक, बिकॉज इवन यू नो कि अगर आप एक पकोड़ा उठाते हो तो यू विल एंड अप गेटिंग अनदर पकोड़ा. तो आप मिनिमम 2 से 3 पकोड़े तो आप वो उठा लेते हैं. फिर आपके पास फ्रूट चाट है. फ्रूट चाट अगर आप कहीं
मेहमानों में चले गए या अपने घर के अलावा चले गए तो वहाँ तो चीनी ज़रूर डालेंगे क्योंकि हम लोग आ गए हैं। मैंने तब तक देखा कि जितने घरों में मैं गई हूँ मुझे चीनी वाली फ्रूट चाट ही मिली, मतलब रियली दैट हैज़ हैपन कि ना होती हो। शरबत जब आती है बात, शरबत भी एक गिलास से कुछ नहीं होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, मज़ा भी ज़ायका भी होता है, तो आप शरबत का गिलास भी एक से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ कि अफ्तारी में, क्योंकि घर में इतना मैं और साकिब और हमज़ा हैं, तो मेरा अक्सर जो होता है क्योंकि साकिब या तो काम पर हैं या फिर मैं कहीं और पर हूँ, तो मैं अकेले इफ्तारी कर रही होती हूँ, अकेले सहरी कर रही होती हूँ। तो उसमें क्या होने लगा है कि मुझे इतना ज़्यादा हैसल नहीं करना होता, और उससे मैं फिर अपना अफ्तार, जैसी अफ्तारी खुलती है, रोज अफ्तार अज़ान होती है, तो मैं अपना एक खजूर लेती हूँ, फ्रूट लेती हूँ, कोई भी फ्रूट हो, अगर मैं उसको काट, नॉर्मली मैं फ्रूट चाट नहीं बनाती, मैं इंडिविजुअली जो भी कोई फल है वो मैंने लेके फ़ौरन नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद देन आई हैव माई डिनर। सो जो भी खाना बना होता है घर पे उस दिन, वो खाना मैं आराम से खाती हूँ विद माई रोटी नो पराठा, और आराम से अपना एक कप चाय पीती हूँ, उस पर चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं बिकॉज नाउ आई यूज जैगरी। फिर ये जब मैं अपना नॉर्मल डिनर कर लेती हूँ, आई एम डन बाई 8:30, 9 o'clock ऐसे, और उसके बाद फिर अगर आई डू फील अ लॉट फुल, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद आई मैनेज कि मैं एक छोटा चक्कर नीचे लगा लूँ, या तो मामा को सलाम करने चली गई हूँ, या फिर कोई अंडे डबल रोटी लेने चली गई हूँ या कुछ, तो आई वॉक। आइडियली कहा यह जाता है कि 20 मिनट्स वॉक करनी शुरू की है मैंने थोड़ी थोड़ी, अब देखते हैं कि 20 मिनट्स तक जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। 5 मिनट से शुरू करें, थोड़ा थोड़े कुछ स्टेप्स से शुरू करें, लेकिन शुरू ज़रूर करें। अल्लाह ने एक साल, एक और साल हमें रमज़ान नसीब किया है, एक और बार हमें मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर कर लें, थोड़े से अपने गुस्से काबू कर लें, ईट हेल्दी, जस्ट लिव हैप्पीली। ये दिन भी गुजर जाएंगे, रमज़ान पहला नहीं आया है, इसके बाद अब पूरी ज़िंदगी, पूरे साल अब पकौड़े आपके लिए कैंसिल नहीं हो जाते, समोसे कैंसिल नहीं हो जाते, सुबह के कोर में कैंसिल नहीं हो जाते, आप सब इंजॉय कर सकते हैं, सब खाएँ सब पिए, लेकिन थोड़े से एतदाल के साथ छोटे छोटे चेंजेस करें। क्या क्या चेंजेस आप कर रहे हैं मुझे बताइएगा, कुछ ऐसे हेल्दी चेंजेस जो उतने ज़्यादा खले भी नहीं रमज़ान में करने के लिए रोज़ों के टाइम पे, वो भी बताइएगा। एंड लेट्स शेयर दिस जर्नी टुगेदर एंड लेट्स होप ईच अदर, बेस्ट ऑफ लक।